मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद दिन पर दिन टूल पकड़ रहा है। हर समय कभी कर्नाटक सरकार की तरफ से चेतावनी मिलती है तो कभी महाराष्ट्र सरकार उस चेतावनी का जवाब देती है। एक बार फिर मुंबई के बारे में कर्नाटक सरकार ने चेतावनी दी है। इस मामले में बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं कि मुंबई वासियों को डरा सके, हम हमेशा महाराष्ट्र मुंबई के लिए खड़े रहेंगे। सुनिए कर्नाटक की सरकार को चेतावनी देते हुए आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा है। ये मुंबई महाराष्ट्र की है, किसी की हिम्मत नहीं ये करने की, कोई कर नहीं पाएगा क्योंकि हम सब लोग मुंबई के लिए महाराष्ट्र के लिए खड़े रहेंगे। सबसे अहम चीज़ यही है कि देश में शांतता का पालन हो, देश में कायदा सुव्यवस्था का पालन हो, देश में एकता कैसे बढ़े, इसी पर हमें फोकस करना चाहिए। जो विवाद है महाराष्ट्र का कर्नाटक का, ये तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सालों से, लेकिन अभी ये आक्रामक भूमिका क्यों ली है? ये साफ हो रहा है कि वहाँ का जो सत्ताधारी पक्ष है वो चुनाव हारने जा रहा है और इसलिए ये सारे फ्रस्ट्रेशन उनके बाहर आ रहे हैं।